80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही फरानाज के बारे में कौन नहीं जानता। अपने जमाने में स्टार रही फरानाज शॉर्ट टेम्पर्ड अग्रेसिव एक्ट्रेस मानी जाती है। वो कब किसे पीट दे कहना मुश्किल था। इसी रवैये के चलते उन्हें 80 के दशक की सबसे विवादित एक्ट्रेस माना जाता था। तब्बू फराह की छोटी बहन है। अपनी खूबसूरती और अदाकारी से बॉलीवुड पर राज करने वाली फरानाज ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन करियर के पीक पर शादी करके वो अचानक गायब हो गई। फराह ने विंदुदारा सिंह से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। फराह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कसम वर्दी की फिल्म के सेट पर एक्टर चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बारे में बात करते हुए फराह ने बताया था, चंकी हमेशा आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी को वुमन पावर का एहसास करवाया था। इतना ही नहीं, फराह के बारे में ये भी कह जाता है कि पार्टी में मौजूद एक प्रोड्यूसर को करारा थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल जेपी दत्ता के पार्टी में फिल्म मेकर फारूक नादियादवाला ने फराह को बियर पीने का ऑफर दिया तो उनका झगड़ा हो गया था। बिंदु के बाद फराह ने अभिनेता सुमित सहगल से शादी कर ली। फराह मुंबई में अपने पति और बेटे के साथ रहती हैं।